नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। 12वें विश्व कप से टीम इंडिया के बाहर होने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में मिली हार की वजह से भारतीय टीम इस वक्त निशाने पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने तो ऐसी मांग कर दी जिसकी वजह से सब चौंक गए। वसीम जाफर ने कहा कि अब रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह वनडे और T20 टीम की कप्तानी सौंप देनी चाहिए। जाफर पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस तरह की मांग कर डाली। जाफर ने ट्वीट करके कहा कि क्या सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपने का वक्त आ गया है। मैं चाहूँगा कि रोहित शर्मा अगले विश्व कप यानी 2023 में टीम इंडिया की कप्तानी करें। आपको बता दें कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर चुके हैं और उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने पिछले वर्ष एशिया कप भी जीता था। वहीं वो IPL में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और उनकी कप्तानी में मुंबई को 4 बार IPL खिताब दिला चुके हैं। रोहित ने इस विश्व कप में 5 शतक के साथ भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए। इस विश्व कप में टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में करीबी मैच में भारतीय टीम को 18 रन से हार मिली और उसे विश्व कप से बाहर होना पड़ा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ऐसी भी खबर आई थी कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम इस वक्त 2 खेमों में बंटी हुई थी, जिसमें एक ग्रुप विराट का तो दूसरा रोहित शर्मा का है। टीम के खिलाड़ी ने बताया था कि इस वक्त सिर्फ विराट और रवि शास्त्री की ही चलती है और जो इनके चाहते हैं उन्हें बार बार मौका मिलता है। ये दोनों अपनी एक तरफा सोच खिलाड़ियों पर थोपते हैं और इस बात से खिलाड़ियों में काफ़ी नाराजगी है। तो गाइस, आपके क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो ये पसंद तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।